रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने एक ही दिन में 70 मिसाइलें दागकर यूक्रेन के 3 शहरों को तबाह कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के ऑफिस में मिली जानकारी के मुताबिक क्रीवी रिहा इलाके में मिसाइल अटैक से एक रहवासी इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हुई। वहीं खारसेन में सेलिंग में एक व्यक्ति की जान चली गई। रूस ने ये हमले राजधानी कीव और यूक्रेन के उत्तरी पूर्वी हिस्से खार्किव में किए हैं। रूसी हमले के कारण खार्किव और सुमी के इलाके में बिजली सप्लाई ठप हो गई और यूक्रेन के एक अधिकारी ने बताया कि आधी बिजली सप्लाई जो है बंद कर दी गई है। अब केवल अस्पताल, वाटर सप्लाई सिस्टम और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को ही बिजली सप्लाई की जाएगी। रूसी हमले के बाद की तस्वीरें दिखाती है कि मिसाइलों ने जहां इमारतों को नुकसान पहुंचाया तो वहीं सैकड़ों लोग कड़कड़ाती सर्दी में बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। लोगों ने मेट्रो स्टेशन, बंकर और पार्किंग लॉट्स में छिपकर रात गुजारी है। वहीं कई तस्वीरें यह भी दिखाती है कि हमले के दौरान कई लोगों को खुले में ही रहने को मजबूर होना पड़ा।